वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लस, एक ऐसा शो जो देता है आपको प्रॉपर्टी बाजार से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स। हम आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा सस्ते में आपको आपके सपनों का आशियाना और देंगे आपके हफ्ते भर के सारे सवालों के जवाब। मैं हूँ कारुण्या और हाजिर हूँ प्रॉपर्टी प्लस के एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ। आइए देखते हैं क्या है आज के शो में खास। दिल्ली सरकार की पहल, सभी लीज होल्डिंग प्रॉपर्टीज की बिक्री होगी रजिस्टर्ड। मुंबई में कारोबार करना हुआ आसान, बीएमसी ने बनाया बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और एनआरआई की भारत में अफोर्डेबल और मिक्स सेगमेंट के घर खरीदने में बड़ी दिलचस्पी। प्रॉपर्टीज में धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए सभी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज की बिक्री का रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो गया है। दिल्ली सरकार ने भी यही आदेश दिया है कि सभी प्रॉपर्टीज का ब्यौरा रजिस्टर करवाया जाए, इससे माफिया पे लगाम लगेगी और पारदर्शिता भी आएगी। रजिस्ट्री के समय प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन दिल्ली में अब अनिवार्य हो गया है। शहर में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की यदि रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो सब रजिस्ट्रार से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना ना भूलें। दरअसल दिल्ली सरकार ने सभी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज का ब्यौरा रजिस्टर कराने के आदेश दिए हैं। इससे प्रॉपर्टी बाजार में बिल्डर माफिया पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता भी आएगी। इस आदेश के मुताबिक बिना वेरिफिकेशन के अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है और दस्तावेज में गड़बड़ी मिलती है तो 10 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने ये कदम प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में होने वाली धांधली को रोकने के लिए लगाया है, जिसका फायदा स्टैम्प ड्यूटी विभाग को भी होगा। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, आपके रिकॉर्ड्स वेरीफाई होंगे, लैंड वहाँ है, वहाँ प्रॉपर्टी और नहीं है। ये फिजिकल वेरिफिकेशन से आपको काफी फायदा होगा क्योंकि इट विल क्लीन अप द लैंड मार्केट एंड ये काफी टाइम से दिक्कत भी चल रही थी एंड दिस हैज बीन अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। दरअसल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के समय सब रजिस्ट्रार कभी कभार ही प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे और तो और कई मामलों में एक घंटे में रजिस्ट्री की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी। इसके अलावा हाथों हाथ खरीदार को रजिस्ट्री के दस्तावेज भी मिल जाते थे, लेकिन अब सिर्फ प्लॉट हो, मकान या फिर जमीन, हर प्रकार की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले सब रजिस्ट्रार फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। मौके पर देखा जाएगा कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है वहाँ किसी का मकान है भी या नहीं, मकान में कितने कमरे हैं, कितनी जमीन खुली है, रोड साइड से कितनी दूरी है या रोड पर तो नहीं है, ये सब जांच के बाद ही रजिस्ट्री होगी। इसके बाद सब रजिस्ट्रार जितनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करेंगे उसकी रिपोर्ट स्टैम्प ड्यूटी विभाग को सौंपी जाएगी। इस दौरान कहीं गड़बड़ी मिली तो सब रजिस्ट्रार से जवाब मांगा जाएगा। नई व्यवस्था में वेरिफिकेशन के लिए सब रजिस्ट्रार को 3 दिन का समय दिया जाएगा। इसके अलावा गड़बड़ी होने पर खरीदार से स्टैम्प ड्यूटी की अंतर राशि का 10 गुना तक जुर्माना के रूप में वसूला जा सकता है। इतना ही नहीं, गैर कानूनी काम होने पर दोषी के खिलाफ FIR दर्ज भी हो सकती है। अब जिस जमीन का नक्शा लगा है उसी जमीन की रजिस्ट्री होगी, खरीदार और मकान मालिक का भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब रजिस्ट्रार मौके पर जाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन भी सही हो पाएगी। एक ही प्रॉपर्टी की एक से ज्यादा रजिस्ट्री अब से नहीं हो पाएगी। सब रजिस्ट्रार के मौके पर जाने से उन्हें प्रॉपर्टी की हिस्ट्री भी पता चलेगी। अब तक रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी बेचने खरीदने वाले के फोटो दस्तावेज के साथ लगते थे। खरीदार प्रॉपर्टी की खरीद की वैल्यू जो देते थे उसे आधार मानकर स्टैम्प ड्यूटी तय की जाती थी। स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए खरीदार कई बार प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत बताते हैं, लेकिन जानकारों की राय में अब रियल एस्टेट बाजार में धोखाधड़ी पर लगाम लग पाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए तो इट्स अ गुड स्कीम। के देखिए, खरीदने वाले के लिए कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, बेचने वाले को ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी जो एक प्रॉपर्टी दो दो बार सेल कर दी जाती थी उसमें जरूर एक आम बायर को उसमें एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। बैंक के मुताबिक जाली दस्तावेजों के जरिए लोगों ने करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के होम लोन फ्रॉड किए हैं, लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बिक्री को रजिस्टर्ड होने के बाद प्रॉपर्टी बाजार में चल रहे फर्जी वाड़े पर रोकथाम मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा सरकार जल्द ही इसे 11 अलग शहरों में भी लागू करने का मन बना रही है। प्रॉपर्टी बाजार में चल रही धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने अब सभी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इससे प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता तो आएगी, साथ ही एक ही प्रॉपर्टी को दो बार बेचने की प्रक्रिया पर भी लगाम लग पाएगी। शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। कारोबार के लिहाज से मुंबई को आकर्षक बनाने के लिए मुंबई की महानगर पालिका बीएमसी ने बिजनेस डेवलपमेंट नाम के एक नए विभाग को बनाया है। बीएमसी का ये मानना है कि अलग विभाग होने से मुंबई की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी सुधार आएगा।
मुंबई भले ही फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, लेकिन कारोबारियों को वैसे ही मुश्किलें पेश आती हैं जैसे देश के बाकी शहरों में। बीएमसी ने अपनी इसी इमेज को सुधारने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया है। ये डिपार्टमेंट कारोबारियों को बीएमसी के अलग अलग विभागों से मंजूरियां दिलाने में मदद करेगा, कारोबारियों की मुश्किलों को समझकर उसके हिसाब से नीतियां बनाने का सुझाव भी देगा। इस डिपार्टमेंट में अभी 10 से 12 लोगों की नियुक्ति हुई है। कारोबार करना आसान बनाने के लिए आगे कंसल्टेंट की भी मदद लेने का प्लान है। सामान्य इंडस्ट्री के लिए भी बीएमसी के 5 से लेकर 6 विभागों से इजाजत देनी पड़ती है। राज्य और केंद्र की एजेंसियों से करीब 10 अप्रूवल्स और लगते हैं। बीएमसी का नया डिपार्टमेंट मंजूरियों को आसान और शहर के निवेश के लिए आकर्षक बनाने में मदद करेगा। लोकल इन्वेस्टमेंट सिटी में कैसे अपने को अट्रैक्ट करें सो दैट अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इधर का इनकम जनरेट हो और बिजनेस बढ़े, ये उसके लिए हमने सोचा कि एक अलग डिपार्टमेंट आना चाहिए, एक छोटा सा डिपार्टमेंट ऑफ अबाउट 10-12 पीपल। बीएमसी का नया डिपार्टमेंट उद्योग जगत की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मुश्किलें भी दूर करेगा। ये डिपार्टमेंट मौजूदा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सड़क, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट जैसी दिक्कतें सुधारने का काम करेगा। साथ ही शहर में नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की पहचान और प्लानिंग में एजेंसी की मदद करेगा। बीएमसी की मंजूरियों की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने और तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। नई सरकार भी मुंबई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने को लेकर गंभीर है। यहाँ पर कमर्शियल स्पेसेस तैयार करना है, यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री का हब तैयार करना है, ये सारी चीजें हमारे एजेंडे पर है। मुंबई को हम आगे ले जाएंगे। मुंबई को शंघाई बनाने का प्लान करीब 10 साल पहले ही बना था, लेकिन सारा प्लान कागज पर ही रह गया। आरती कटीरा, जी मीडिया, मुंबई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे भारत बना प्रॉपर्टी में निवेश के लिए एनआरआई की पहली पसंद। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक। देश भर में कई सारे बड़े बिल्डर्स इस समय नकदी की कमी और घटती मांग से जूझ रहे हैं, और यही वजह है कि कहीं खाली घरों को अभी भी ग्राहक का इंतजार है तो कहीं प्रोजेक्ट्स पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट की इसी मंदी का सीधा सीधा फायदा हो रहा है छोटे बिल्डर्स को। जानकारों की राय में छोटे बिल्डर्स बड़े बिल्डर्स के मुकाबले प्रोजेक्ट डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत देश भर के बड़े रियल एस्टेट बिल्डर्स पर फिट बैठती है। समय पर पोजेशन ना देना, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना, ग्राहकों को जालसाजी से फ्लैट बेचना, रियल एस्टेट में अब ये बात आम हो गई है। दरअसल देश भर में डीएलएफ, पार्श्वनाथ, जेपी और लोढ़ा जैसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए हैं। जानकारों की राय में बड़े बिल्डर्स इस समय नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। ठंडे पड़े प्रॉपर्टी बाजार से परेशान कई नामी ग्रामीण बिल्डर्स इन दिनों अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बेचने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, कई बड़े बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स में हिस्सा छोटे बिल्डर्स को बेचकर प्रोजेक्ट्स पूरा कर रहे हैं। आज एक छोटे डेवलपर के पास कैश निकालने की अपनी लिमिट है, और आपका प्रोजेक्ट 5 एकड़ का है तो आपको जितने पैसे आएंगे जिसमें आप अगले 5 एकड़ की जमीन ले सकते हो। क्योंकि रेगुलेशन आज के दिन पूरे देश में ऐसा है जो सपोर्ट नहीं करता लैंड लेने के लिए, किसी भी तरह के लोन, किसी भी तरह के बैंकिंग ऑपरेशन को। देयरफॉर इट विल ऑलवेज हैपन कि जो छोटे डेवलपर हैं वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट आराम से कर पाएंगे, जो बड़े डेवलपर हैं वो थोड़े समय तक कैश क्रंच में रहेंगे क्योंकि रेगुलेशन उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वही छोटे और मध्यम स्तर पर काम करने वाले डेवलपर समय से पोजीशन देकर नए प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल बड़ी टाउनशिप को पूरा करने में 8 से 10 साल का वक्त लगता है, और मंदी के माहौल में 100 से 300 एकड़ के प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर पाना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में एक से ज्यादा पार्टनर होने से न सिर्फ प्रोजेक्ट जल्दी पूरा किया जा सकता है बल्कि प्रोजेक्ट में वैरायटी भी आ सकती है। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में इन दिनों बिल्डर्स एफएसआई बेच रहे हैं। जेपी ने हाल ही में
यमुना एक्सप्रेसवे पर 300 एकड़ का लाइसेंस लैंड गौरसन को लगभग 16 करोड़ रुपए में बेचा है और अब गौरसन छोटे बिल्डर्स को FSI बेचने का प्लान कर रहा है। वाटिका ग्रुप ने हाल ही में गुड़गांव में 300 एकड़ वाली टाउनशिप में 22 लाख स्क्वायर फुट रेजिडेंशियल FSI 3 डेवलपर्स ATS, आशियाना और एसोटेक को बेची है। एसोटेक ने वाटिका ग्रुप से गुड़गांव में ग्रुप हाउसिंग के लिए सभी अप्रूवल से लैस 10 एकड़ जमीन खरीदने के लिए 175 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने 200 करोड़ रुपए में 10 एकड़ जमीन पारस ग्रुप को बेची है। इसके अलावा ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने वाली टाउनशिप में 100 एकड़ जमीन ATS को बेच डाली है। वहीं अगर छोटे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स की खासियत पर नजर डालें तो छोटे प्लॉट पर सस्ते घर बनाना बेहतर है क्योंकि इससे प्रोजेक्ट में समय कम लगता है और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। इसके अलावा रियल एस्टेट मार्केट में आज भी एंड यूजर्स छाए हुए हैं, स्थिति में सस्ते घर बनाना जरूरी है। इन डेवलपर्स के काम करने का बेहतरीन तरीका और फेज के हिसाब से प्रोजेक्ट का निर्माण ही प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करता है। 800 से 1000 यूनिट वाले इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना भी आसान होता है और तो और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उससे जुड़े सारे अप्रूवल्स पहले ही ले लिए जाते हैं। जानकारों की राय में इस समय ज्यादातर बड़े बिल्डर्स नकदी की कमी से जूझ रहे हैं और उन्हें अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरे करने के लिए नकदी की जरूरत है। FDI आने से, उसके नॉर्म रिलैक्स होने से, इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज कम करने से ये हो गया कि छोटे डेवलपर भी FDI ला सकते हैं और उनके पास भी कैश क्रंच की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे कैन ऑल्सो कम विद द मल्टीपल प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट बाजार में FDI के नियम आसान होने से मिनिमम फ्लोर एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर से घटाकर 20,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है और अभी 20,000 स्क्वायर मीटर हो जाने से छोटे डेवलपर्स भी मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ सकती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, छोटे बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देश भर में नामी गिरामी बिल्डर्स आज भी नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी का असर बिल्डर्स के कैश क्रंच पर देखने को मिल रहा है। कहीं बिल्डर्स फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ग्राहक अपने पोजीशन के लिए बिल्डर्स के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवाने से पहले उस प्रोजेक्ट का मुआयना जरूर कर ले। कैमरामैन विवेक के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। भारतीय रियल एस्टेट बाजार NRIs को बेहद आकर्षित करता है, खासतौर पे वो प्रॉपर्टीज जिसमें बेहतर रिटर्न्स हो और जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, NRIs भी इन्वेस्ट करने से पहले बजट पे खास ध्यान देते हैं। भारतीय रियल एस्टेट बाजार की तरफ NRIs का रुझान हर साल बढ़ता ही जा रहा है। नई सरकार की नई नीति ने NRIs को इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट की तरफ खासा आकर्षित किया है। रिट्स की पॉलिसी लिबरल होने और आसान FDI नियमों का असर भारत में हो रहे विदेशी निवेश पर देखा जा रहा है। कनाडा में रहने वाली शायला ने हाल ही में भारत में प्रॉपर्टी खरीदी है। शायला ने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उस पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में पहले पता किया, इलाके की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गौर किया और प्रॉपर्टी बजट में आ सके इसका खासा ख्याल रखा। अमूमन ये माना जाता है कि NRI सिर्फ हाई एंड प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, अब NRIs भी मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। शायला ने भी बहुत सोच समझकर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी है। आई थिंक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, रीजन बीइंग बिकॉज एक तो यहाँ पे मल्टीनेशनल्स इतने आ गए हैं, सेकेंडली यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई and returns is very very high. People today come from abroad to invest in India, even in terms of business. इस साल मिडिल ईस्ट, US, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा और साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों ने भारत के रियल एस्टेट बाजार में दिलचस्पी दिखाई है और अगर देश में NRIs की पसंदीदा लोकेशंस देखें तो उसमें बेंगलुरु का नाम सबसे ऊपर आता है। अहमदाबाद भी निवेश में बसे भारतीयों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट जोन बना हुआ है। पुणे में तकरीबन 30%, चेन्नई में 28%, गोवा में 23% और दिल्ली में 21% NRI प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। वैसे तो NRIs हाई एंड लिविंग एक्सपीरियंस के लिए ज्यादातर महंगी घर खरीदना पसंद करते हैं जो कि उनकी लाइफस्टाइल को सूट कर सके, लेकिन अब NRIs लग्जरी फ्लैट्स के अलावा दूसरे सेगमेंट की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। NRIs इंडिया में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी कंट्रीज में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनके इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं, तो NRIs का सेंटिमेंट काफी अपबीट है अभी। आप अगर आप देखें NRIs ग्लोबली अभी उनके पास वहां पे निवेश करने के लिए मौका इतना नहीं है जितना इंडिया में है।
हालांकि अभी भी एनआरआई के लिए घर की ग्लैमर वैल्यू एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है और इसके लिए वो जेब ढीली करने के लिए भी तैयार रहते हैं, बशर्ते डील वैल्यू फॉर मनी हो। इसलिए डेवलपर्स एनआरआई क्लाइंटेल की मांग को पूरी तरह बनाने के लिए हर रेंज में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नीम राना भी ऐसे उभरते हुए इलाके हैं जहाँ एनआरआई का रुझान बढ़ रहा है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एनआरआई का रुझान अब प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट के साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह है देश में सस्ते घरों की डिमांड में बढ़ोतरी होना, जिसका फायदा एनआरआई भी उठाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय रियल एस्टेट बाजार इन दिनों एनआरआई के लिए हॉट इन्वेस्टिंग जोन बना हुआ है। अंकिता चतुर्वेदी, जी मीडिया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ खास खबरें और देंगे आपके हफ्ते भर के सवालों के जवाब। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। एक नजर डालते हैं प्रॉपर्टी न्यूज पे। गाजियाबाद में मकान मालिकों को जीएमसी ने दिया झटका। दरअसल गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 13 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। जीएमसी ने प्रॉपर्टी रेंटल वैल्यू भी बढ़ा दिया है, जिसकी मदद से प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। फिलहाल गाजियाबाद में प्रॉपर्टी रेंटल रेट 1.20 रुपए पर स्क्वायर फीट से 4.50 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में है, लेकिन अब रेट बढ़ने से यहां प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा होगा। इंदौर में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर। दरअसल इंदौर में प्रॉपर्टी की वैल्यू में मुंबई की तुलना में ज्यादा इजाफा हुआ है। मौजूदा साल के दूसरे क्वार्टर में मिनी मेट्रो में प्रॉपर्टी की वैल्यू अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, जयपुर की तुलना में भी ज्यादा बढ़ी है। नेशनल हाउसिंग बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के अप्रैल से जून तक के दूसरे क्वार्टर के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी रेसिडेक्स में ये खुलासा हुआ है। एनएचपी हाउसिंग इंडेक्स के मुताबिक 2014 के जनवरी से मार्च तक के पहले क्वार्टर में इंदौर में रेसिडेक्स 181 पर था, जो दूसरे क्वार्टर में बढ़कर 187 पर पहुंच गया। मुंबई में रेसिडेक्स 229 से बढ़कर सिर्फ 233 पर ही पहुंचा। एनएचपी के रेसिडेक्स के अनुसार दिल्ली, चंडीगढ़ और सूरत में इस साल के पहले क्वार्टर की तुलना में दूसरे क्वार्टर में हाउसिंग प्राइस का ग्राफ नीचे खिसका है। नोएडा और ग्रैनो के बीच मेट्रो प्रोजेक्ट की फंडिंग के खर्च पर होने वाले करीब 5,800 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए अथॉरिटी मेट्रो कॉरिडोर के किनारे की प्रॉपर्टीज पर परचेजेबल एफएआर की फैसिलिटी देगी। यानी मौजूदा मेट्रो ट्रैक या आने वाले दिनों में जहां से ट्रैक गुजरेगा वहां की प्रॉपर्टी को 0.5 एक्स्ट्रा एफएआर की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए अथॉरिटी को तय प्लान के मुताबिक पेमेंट करना होगा। इससे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी रकम की भरपाई हो जाएगी। नोएडा, ग्रैनो और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी मेट्रो कॉरिडोर के किनारे 0.5 परचेजेबल एफएआर के प्रस्ताव को नवंबर के अंत तक कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। जिन रास्तों से मेट्रो ट्रैक निकलेगी वहां पड़ने वाले रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल संस्थानों को परचेजेबल एफएआर की सुविधा मिलेगी। डीडीए के तकरीबन 25,000 फ्लैट्स की हाउसिंग स्कीम 2014 का ड्रॉ डिले हो गया है। दरअसल ड्रॉ की कामयाबी के लिए किए जा रहे ट्रायल रन लगातार फेल हो रहे हैं। इसे पूरा होने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगना चाहिए, मगर मॉक ड्रॉ करने में बार बार 10 से 12 घंटे का समय लग रहा है। अब इसे कामयाब बनाने के लिए डीडीए ने एनआईसी की मदद लेना तय किया है। माना जा रहा है कि अब डीडीए अपनी मेगा हाउसिंग स्कीम के ड्रॉ के लिए दिल्ली के बाहर से जानकारों को बुलाएगा। ऐसे में अब डीडीए ड्रॉ के लिए बेंगलुरु और चेन्नई से कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला रहा है। डीडीए के ड्रॉ के लिए अभी तक कोई डेट नहीं दी गई है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों पे हमारे एक्सपर्ट की राय लेने का। आइए देखते हैं Q&A सेशन। मैं आगरा में निवेश करना चाहता हूँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या मेरे लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा है?
राहुल जी, आगरा एज ए सिटी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो तीन रोड्स में कहूंगा जिस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। एक होगा आपका फतेहाबाद रोड, एक आपका शमशाबाद रोड और एक आपका सिकंदराबाद रोड। इन तीनों लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी अच्छी है और ग्रोथ पोटेंशियल भी है, बट आपको ये देखना है कि अगर आप इन तीन ग्रोथ कॉरिडोर्स को अगर आप देखेंगे तो अगर आप मेन सिटी की तरह थोड़ा लोकेशन देखेंगे तो आपको ऑप्शन 3,000 से 3,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पर मिल सकते हैं, और जितना आप शहर से थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे then probably be able to get options between 2,000 से 2,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट। मैं हैदराबाद में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा बजट 30 लाख रुपीज है, कैन यू सजेस्ट सम गुड ऑप्शन? स्वामी जी, जो आपने अपना बजट बताया, अपनी एरिया रिक्वायरमेंट बताई है, उसके हिसाब से मेन सिटी के अंदर आपको ऑप्शंस मिलने थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। अगर आप थोड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़े ऑप्शंस हैदराबाद के थोड़े पेरिफेरल और बाहर के एरियाज में देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके मियापुर हो गया, अट्टापुर हो गया, उपल हो गया। यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल भी है इन एरियाज का, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप होगा और यहाँ पर आपकी बाहर की ग्रोथ पोटेंशियल भी थोड़ी ज्यादा आगे जाके बढ़ेगी। सो ऑल इन ऑल दिस कुड बी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर यू। मुझे पुणे में 2 बेडरूम सेट खरीदना है, मेरा बजट 60 लाख है, अगर वहाँ पे कोई बेटर ऑप्शन है तो मुझे प्लीज बताइए। रितु जी, देखिए जो आप लोकेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको उसके लिए फ्रॉम सिटी सेंटर लेट टू गो आउट अबाउट 20-25 किलोमीटर्स, आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और कुछ माइक्रो मार्केट जो आप देख सकते हैं वो है भूगा, वकड़, चिंचवाड़, खरेडी, उंदरी, आप इन एरियाज को एक बार देख सकते हैं। मे बी आपको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हुई इन टर्म्स ऑफ कहाँ रहते हैं, अब उसके हिसाब से फिर अपना सारा चेक कर सकते हैं कौन सा सूट करते हैं। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके हैं प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें उन्हें SMS कर सकते हैं 57575 पर, और अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहें तो हमें ईमेल लिखिए property@zmedia.slgroup.com पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी प्रॉपर्टी बाजार के लेटेस्ट न्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस।